नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत और मेरा म्यूजिटेक चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आपको ये मिक्सिंग के बारे बताने वाला हूँ कि एक ही बॉक्स में, जैसे इस बॉक्स में हम कितने तरह का टोन मिक्स कर सकते हैं और कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बॉक्स में बता देना चाहेंगे कि चार तरह का टोन, यानी चार तरह का टोन आप यूज कर सकते हैं इसमें। एक ही हिट पे आप चार टोन प्ले कर सकते हैं। तो आइए मिक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चलिए हम एक किक ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किक, ये किक 64, इसमें बैंक होता है फ्रेंड्स, ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक। अब मिक्सिंग करेंगे तो ये चारों बैंक का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे एक नंबर पे किक ले लिए, अब हमको मिक्सिंग एरिया पे जाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मिडी में। मिडी जैसे ही हम ये करेंगे तो आपको मैसेज टाइप नोट एक बिलिंग करता हुआ मिलेगा, वहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको मोड फोल्डर खुलेगा, मोड को फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक नोट फोल्डर खुलेगा, आपको इसी फोल्डर में आपको मिक्स करना है और इसी के माध्यम से यहाँ पे मिक्स होता है। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, कि हमको देखना है कि जो मैंने किक सेलेक्ट कर रखे हैं वो कौन से नंबर पे है, कौन से स्केल पे है, तो वो ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 38, ये मेरा नंबर है। और ऊपर में जो दिख रहा है उस साइड में पूरा, वो मेरा ए बैंक है। ए बैंक 38 नंबर पे कौन सा ट्यून है, किक 64। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमको मिक्स करना है। तो बी बैंक के, जब ए बैंक के लिए 38 है तो बी बैंक के लिए कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। सी बैंक के लिए 40 हो जाएगा। डी बैंक के लिए 41 हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम अपना बैंक बदलते हैं। तो ये ए बैंक है। अब बी बैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार अप एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अप एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ए बैंक है वो ब्लिंक करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा। तो अभी अब दिख रहा है कि मेरा ए बैंक में 38 नंबर पे किक सेलेक्ट है। अब बी बैंक, ए को बी में चेंज करने के लिए एक बार प्लस करेंगे तो ये मेरा बी आएगा। बी बैंक जैसे ही खुलेगा, या नॉट ऑफ, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको बी बैंक में अभी कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ हिट नहीं करना है। तब तक हिट नहीं करना है जब तक हम कोई टोन यहाँ पे मिक्स नहीं कर लेते हैं। और हम जैसे हम हिट करेंगे, यहाँ पे स्टिक से हिट कर दिए हम यहाँ पे, तो मेरा जो मिक्सिंग एरिया से हम बाहर चले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हिट नहीं करना है। तो चलिए, बी बैंक हमने ला दिया। बी बैंक के लिए हमको नंबर चाहिए। अब कितने नंबर पे बी बैंक, ए बैंक 38 था तो बी बैंक हो जाएगा 39। तो हम एक बार फिर से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो नोट्स है वो ब्लिंक करने लगेगा ऑफ। अब इस पर हम नंबर लाएंगे तो प्लस करते जाएंगे। अब हमको 39 लाना है बी बैंक के लिए, 30 नंबर बी बैंक, उसके लिए नंबर स्केल हो गया 39, या डी एच हो गया, डी शार्प हो गया, और 39 नंबर हो गया। अब हमको टोन सेलेक्ट करना है कि हमको बी बैंक में क्या मिक्स करना है। तो फिर से एक बार वॉइस में आएंगे। अब हम आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है दोस्त कि हमको क्या मिक्स करना है, वो पहले से याद रखना चाहिए कि कितने नंबर का टोन मिक्स करना है, क्योंकि आप हिट करके उसको चेक नहीं कर सकते हैं कि ये टोन मिक्स करें कि वो मिक्स करें। जैसे आप हिट करेंगे तो आप फिर बाहर आ जाएंगे मिक्सिंग एरिया से, तो आपको हिट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने SN70 बी बैंक के लिए सेलेक्ट कर लिया है, एक बार देखते हैं। ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा है, तो ए बैंक में अभी बी बैंक जाने के लिए आप एरो पे क्लिक करेंगे, एक बार प्लस करके देखेंगे तो देखिए SN70 अब बी बैंक में, लेकिन जैसे ही हिट करेंगे तो फिर हम ए बैंक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक टोन तो मिक्स कर लिए। अब सेम प्रोसेस है और दूसरे टोन के लिए, तीसरे टोन के लिए भी वही प्रोसेस है, चौथे के लिए भी वही है। तो चलिए हम तीसरा टोन मिक्स करते हैं सी बैंक पे। तो फिर से मिडी में जाएंगे। अब यहाँ ए बैंक 38 नंबर हो गया, बी बैंक 39, तो सी बैंक हो गया 40।
तो सी बैंक के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आप एरो पे क्लिक करेंगे, अब उसके लिए फिर प्लस करेंगे तो बी बैंक जाएंगे, फिर एक बार प्लस करेंगे तो सी बैंक। सी बैंक में आप देखिए ये ऑफ है, जिस भी बैंक में मेरा कोई मिक्स नहीं रहेगा तो वो यहाँ पे आपको ऑफ ऑफ दिखाएगा। उसके बाद फिर से डाउन एरो क्लिक करना है। अब हमको सी बैंक के लिए 40 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो 40 प्लस करेंगे नंबर के लिए, चलिए 40 नंबर कर दिए। अब बी बैंक, ये सी बैंक के लिए 40 हो गया, ये नॉट 40। अब हमको फिर से आपको टोन सेलेक्ट करना है, आपको क्या मिक्स करना है, तो फिर से वॉइस में आएंगे, चलिए हम यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रल परकशन मिक्स कर देते हैं। ऑर्केस्ट्रल के लिए ओ यार, चलिए ओ यार 1 मिक्स कर दिए हैं, यानी ऑर्केस्ट्रल परकशन। अब देखते हैं हिट करके, ठीक है 3 टोन मिक्स हो गया। अब चलिए चौथा भी मिक्स कर देते हैं, फिर से जाएंगे मिडी में। अब 38 ए बैंक, 39 बी बैंक, 40 सी बैंक, डी के लिए 41। तो पहले हम बैंक चेंज करेंगे, ये 39 बी, 40 सी, 41 मेरा कुछ नहीं है, तो हम सेलेक्ट करेंगे पहले उसका नोट्स तैयार करेंगे। तो फिर से एक बार डाउन एरो, अब यहाँ पे जाएंगे 41 आ गया। उसके बाद फिर से एक बार हम ये वॉइस पे जाएंगे और टोन सेलेक्ट करेंगे, हमको क्या मिक्स करना है, चलिए इस पे हैट मिक्स कर देते हैं। हैट 16 नंबर मिक्स कर दिए, अब देखते हैं एक बार हिट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको चेक करना है कि कौन कौन से अगर मेरा है, तो आप यहाँ पे जाइए मिडी में और फिर से एक बार बैक आइए, ये मोड स्टैक मोड है, यहाँ पे एक अल्टरनेट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स, एक ए बैंक में किक, बी बैंक में स्नेयर, सी बैंक में ऑर्केस्ट्रल और डी बैंक में हाई हैट, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 यहाँ मिक्स है ये पता करने के लिए, तो इसको हम स्टैक मोड कर देंगे, ठीक है 4 तरह का मिक्स हो गया। अब फ्रेंड्स आपको अगर वॉल्यूम, अगर प्रत्येक का जैसे यहाँ पे अगर हम वॉइस जाके अगर हम वॉल्यूम उसका ये करेंगे, तो आपको सिर्फ ए बैंक का वॉल्यूम कम होगा, ए बैंक में मेरा किक था, अब यहाँ पे अगर हम छेड़ेंगे तो सिर्फ ए के लिए कम बेसी होगा, ठीक है ए बैंक में मेरा किक था, ख़त्म हो गया उसका वॉल्यूम, बढ़ाएं तो फिर आ गया। तो आप चाहेंगे कि अगर बी बैंक के लिए अगर वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, जैसे बी बैंक के लिए आपको वॉल्यूम कम करना है, तो आपको फिर से आप एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद ए बैंक के बाद आपको प्लस करना है तो बी बैंक, बी बैंक में मेरा 100 है, आप जितनी चाहे कर सकते हैं, ठीक है ये बी बैंक होगा। आपको हिट नहीं करना है जब तक हम कुछ काम नहीं कर लेते हैं, अपना प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं कर लेते हैं, जितना वॉल्यूम करना है आपको कर लीजिए, उसके बाद आप हिट करेंगे, नहीं तो पहले हिट कीजिएगा तो आप फिर से बाहर आ जाइएगा, ए बैंक में आ जाइएगा। चलिए तो उसी तरह आप सी बैंक का भी कर सकते हैं, ऊपर आप एरो पे क्लिक करेंगे, ये बी बैंक, ये सी बैंक हो गया, फिर डाउन एरो पे आएंगे, फिर विलिंग करेगा मेरा जो वॉल्यूम नंबर है उस पर जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है वही प्रोसेस डी बैंक के लिए भी है। और तो फ्रेंड्स मेरा सीधी तौर पे अगर कहें हम, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको किस बैंक पे हमको काम करना है, डिले वगैरह भी आपको लगाना है या रिवर्ब वहाँ कुछ भी चीज़ अगर पीच चेंज करना हो या किसी भी चीज़ करना हो, तो आपको उस बैंक पे पहले घुसना पड़ेगा, जिस बैंक का ट्यून पे आपको इफेक्ट रिवर्ब या ट्यून या कुछ छेड़छाड़ करने हैं, तो पहले उस बैंक पे आपको घुसना पड़ेगा। नॉर्मली जो आपको बैंक होगा वो ए बैंक होगा, लेकिन बी बैंक के लिए आपको हमेशा ऊपर एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बी, लेंगे बी बैंक कीजिएगा, सी बैंक कीजिएगा, डी बैंक कीजिएगा, है ना। आपको जिस भी बैंक में करना है डिले वगैरह, तो पहले उस बैंक में जाइएगा उसके बाद आपको उसको एक्टिवेट कीजिएगा। हाँ ध्यान रहेगा आप स्टिक हीट मत कीजिएगा जब तक आप वो चीज़ लगा ना लें जिस चीज़ का आपको ज़रूरत है, जब वो चीज़ हो जाएगा उसी के बाद आपको आप उसको हिट करेंगे तभी आपका काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस आज का वीडियो में बस इतना ही सर,
और अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सिंग करने का पहला ये फर्स्ट स्टेप था, ये और भी और एक तरह से मिक्सिंग होता है तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदाई, तब तक के लिए जय हिंद।